मुंबई की पांच खबरें टॉप फाइव बुलेटिन में। सबसे पहली खबर मुंबई के घाटकोपर इलाके के असलफा से है, जहां पर असलफा में बीती रात एक 72 इंच की ब्रिटिश कालीन की एक पाइपलाइन फट गई, जिसके कारण 400 से अधिक घरों में पानी घुस गया और अफरा तफरी मच गई घाटकोपर परिसर में। दूसरी खबर मुंबई के दादर इलाके से है, जहां पर दादर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के पास एक संदिग्ध दो बैग मिले, जिसके बाद बॉम्ब स्क्वाड को बुलाकर जब चेक किया गया तो ये बैग खाली मिले। फिलहाल पुलिस ने जो है चिंता जताई है कि इसी तरीके के तमाम जो घटनाएं होते हैं उसको लेकर सतर्क जरूर है मुंबई पुलिस। तीसरी खबर यूनिट 3 से, जहां पर 538 करोड़ रुपए की नशीली और मादक पदार्थ को नष्ट किया गया है। 140 किलोग्राम ये टोटल नशीली पदार्थ थे, जिसे नवी मुंबई में परिसर में एक जगह पर नष्ट कर दिया गया। चौथी खबर मुंबई में रेलवे से जुड़ी हुई है, जहां पर रेलवे की जो रेल नेटवर्क है उसने 6000 जीआरपी को तैनात किया है आने वाले नए वर्ष के लिए, क्योंकि अलग अलग जगहों पर रेलवे स्टेशन को भी लेकर के सवाल उठते हैं कि किस तरीके से जो रेल यात्री है वो सुरक्षा है या नहीं, इसी को लेकर के 6000 जो जीआरपी है उसे तैनात किया गया है। पाँचवीं खबर मुंबई की मेट्रो ट्रेन से जुड़ी हुई है, जहाँ पर मुंबई मेट्रो 3 का जो कार्य था वो अब जो है सफल हो चुका है और इस पूरे रूट में पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, जिसमें 1500 किलोमीटर से अधिक के परीक्षण के माध्यम से अभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अब ये देखना है कि हरी झंडी कब दिया जाता है और कब मुंबई मेट्रो 3 की शुरुआत होती है।